रविवार को इंदौर में खेले गए दूसरे T20 मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को करारी शिकस्त दी। यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे की तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम दिए गए लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में सफल रही। इसके साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। तो आइए जानते हैं कि दूसरे मैच में जीत पर रोहित शर्मा ने क्या कहा। रोहित शर्मा ने अपना 150वां T20 मैच खेलने को लेकर बयान दिया है। इंदौर में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने T20 करियर का 150वां मैच खेलने के बाद रोहित शर्मा खुश नजर आए। ऐसे में उन्होंने इस मामले में बयान देते हुए कहा है कि जीत में निश्चित खुशी होती है। 2007 से इस यात्रा के दौरान मैंने हर स्मृति का आनंद लिया है। हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वह गर्व की बात है। इसके बारे में बात करना एक बात है, लेकिन वास्तव में वहां जाकर खेलना गर्व की अनुभूति है। पिछले 2 मैचों में हमने हर लिहाज से अच्छा प्रदर्शन किया है, हमने बहुत सारे बक्सों पर निशान लगाया। रोहित शर्मा ने इन दोनों खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित शर्मा ने टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे की जमकर तारीफ की है। उसने कहा है, यशस्वी ने साबित किया है कि वह न केवल T20 में बल्कि टेस्ट में भी क्या कर सकते हैं। न केवल उनकी प्रतिभा बल्कि उनका शॉट चयन भी शानदार है। शिवम दुबे प्रभावित हुए, खासकर वह जिस तरह से स्पिनरों पर आक्रमण करते हैं वह सराहनीय है, यही उनकी भूमिका है और उन्होंने आकर हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। गौरतलब है कि यशस्वी जायसवाल ने 34 गेंद के 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 200 की स्ट्राइक रेट से 68 रन बनाए। वहीं शिवम दुबे ने 32 गेंद में 63 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। यह सीरीज में उनका दूसरा अर्धशतक है। आपको बता दें कि भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीता है। रोहित के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।